नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया बता रही हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर। लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केंद्र का पूर्व कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। हाल ही में खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार की पेंशन में कटौती कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए ये बात कही। ये बात ऐसे समय इसमें सामने आई जब सरकार ने एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भारी खर्च करने पड़ रही, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण कर राजस्व एवं विनिवेश समेत अन्य स्रोत से आय पर असर पड़ता दिख रहा है। मंत्रालय के ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साझा किया है। जी दोस्तों, मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार की पेंशन भोगी की पेंशन में 20% की कटौती की जा रही है। ये खबर पूरी तरह गलत है। पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। ये स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन सरकार के नकदी प्रबंध संबंध निर्देशों से प्रभावित नहीं होंगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहेगी।